चलिए ध्यान दीजिए, साउंड ठीक ठाक है। चलिए देखिए क्वेश्चन आज केवल और केवल इतिहास का आप लोग का 40 महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे हम लोग देखेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन पहला नंबर देख लो, ध्यान दीजिए। देखो पहला क्वेश्चन जो आप लोग को कह रहा है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? दीवाने खास था, दीवाने आम था, इबादत खाना था, बुलंद दरवाजा था, कौन सा राइट आंसर आप लोग को लग रहा है? जल्द से जल्द इसको ये कर दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए जी, तो राइट आंसर आप लोग का इबादत खाना हो जाएगा। देखिए इसके बाद अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहाँ बाकी हो, इधर है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न पर देखो, लिखा हुआ है दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कार्नवालिस, सर जॉन शोर, वारेन हेस्टिंग्स। जल्द से जल्द लगा दीजिए कौन सा आंसर होगा। चलिए आप लोग जवाब लगा दीजिए। देखिए तो जब हम दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो उस समय जो गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग्स था। ऐसे देखो अगर एंग्लो मैसूर युद्ध का बात करते हैं तो सारे एंग्लो मैसूर युद्ध जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से सब इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला नंबर तो बात यह है कि अगर टोटल एंग्लो मैसूर युद्ध का चर्चा करेगा कि कुल कितने एंग्लो मैसूर युद्ध हुए, तो कुल 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हुए। इसमें से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन क्या आएगा कि प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध कब से कब तक, तो याद रखना आप लोग को 1700 आप लोग का जब भी प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध की बात करेगा तो आप लोग को 67 से 69 तक आप लोग को ध्यान देना है। और मेन इसमें बात क्या है कि एंग्लो मैसूर प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध के समय जो गवर्नर जनरल था वह वेलेस्ली था। ध्यान सॉरी वेरी लस्ट में आप लोग को आएंगे, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध के समय वेरी लस्ट हो जाएगा। जब दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध की चर्चा करेगा तो दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध जिस समय गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स आते हैं, जबकि तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध का चर्चा करता है तो कार्नवालिस लॉर्ड कार्नवालिस का सेशन रहता है, लॉर्ड कार्नवालिस। और चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध के समय वो फिर वेलेस्ली आ जाता है। अब इस सारे प्रश्न आप लोग को ध्यान देना है कि 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हुए, हमको चूंकि मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल की बात करेगा तो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध के समय वेरेलेस्ट गवर्नर जनरल के रूप में था, जबकि द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के समय वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था, और तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध के समय कार्नवालिस था, जबकि चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध के समय वो जो गवर्नर जनरल था वो वेलेस्ली था। इसलिए आप लोग का राइट आंसर जो होगा, हमें पूछ रहा था दूसरा गवर्नर जनरल, इसलिए वारेन हेस्टिंग्स राइट आंसर होगा। अगला बात पर ध्यान दो, भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? विलियम डडली, रोजर स्मिथ, जॉर्ज क्लार्क, वारेन हेस्टिंग्स। राइट आंसर बताइए। चलो तो ध्यान रखना है कि भारत में पहली बार रेलवे लाइन बिछाने का अगर कोई काम किया था तो वह जॉर्ज क्लार्क, ऑप्शन नंबर 3 आप लोग का राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को, गोपाल कृष्ण गोखले को, बाल गंगाधर तिलक को, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। चलिए तो ध्यान दीजिएगा आप लोग का जिसमें राइट आंसर होगा ग्रैंड, यहां पर ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। देखिए दादा भाई नौरोजी में आप लोग को ध्यान रखना है, एक प्रश्न आता है कि धन के निगर गमन का सिद्धांत किसने दिया या धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया, तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगी। ये पहले भारतीय हैं जो उदारवादी दल से
और ब्रिटिश संसद बने हैं। कभी भी आएगा उदारवादी दल से, वह कौन सा पहला भारतीय है जो ब्रिटिश संसद बने, तो वह दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। इन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो आगे बढ़िए, चलिए अगला प्रश्न जो है, गुड फ्राइडे किस घटना की स्मृति में मनाया जाता है? ईसा मसीह के जन्म पर, सेंट पीटर के जन्म पर, ईसा के सूली पर चढ़ाने पर, ईसा मसीह के पुनर्जन्म पर। क्या लग रहा है? गुड फ्राइडे जो है वो किस घटना के स्मृति में मनाया जाता है? ए, ईसा मसीह के जन्म पर। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग गुड फ्राइडे ईसा मसीह के, हाँ, ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाए जाने के उपरांत हम लोग इसको मनाते हैं। तो राइट आंसर आप लोग का कौन सा होगा? तीन नंबर आप लोग का सही हो जाएगा। रे चलिए नेक्स्ट, मानव के दुखों के अंत के लिए आध्यात्मिक मार्ग ने, यहां अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया? महावीर ने, गौतम बुद्ध ने, आदि शंकराचार्य ने या कबीर ने? मानव के दुख के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया? महावीर, गौतम बुद्ध, आदि शंकराचार्य या कबीर? चलिए कौन सा होगा? कबीर। तो याद रखिएगा, जब भी अष्टांगिक मार्ग के बारे में बात करता है तो अष्टांगिक मार्ग का संबंध जो है वो गौतम बुद्ध से होगा। याद होगा आप लोग को, क्लास में चला था कि बुद्ध को, चूंकि बुद्ध जो, जब बुद्ध की बात आता है तो उनका जो जन्म है वो 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल के तराई वाले जो क्षेत्र है, वह आप लोग को लुम्बनी, खास करके आप लोग को बताए थे, कपिल वस्तु के लुम्बनी ग्राम में होता है। आपको ये भी पता होगा कि इनको मात्र, यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ जब इनको जन्म होता है तो जन्म के मात्र 29 वर्ष की अवस्था में ये घर को त्यागते हैं, और 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग देने के बाद तो फिर जाकर के 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसमें दो तीन बात चूंकि आप लोग इंपॉर्टेंट था कि महावीर जब ज्ञान प्राप्ति के लिए निकले तो उसमें कुल चार घटना था जो इसको प्रभावित किया था, और वह चार घटना कौन कौन था जो इन्हें प्रभावित किया, तो उसमें एक बताया गया था आप लोग का बीमार व्यक्ति, एक आप लोग का था बीमार व्यक्ति, एक था वृद्ध व्यक्ति, एक था मरा हुआ व्यक्ति और एक था संन्यास व्यक्ति। यही चार व्यक्ति से ये समझे प्रभावित हुए थे, और इन्हें उसी समझे उसी के लिए यह ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकले थे। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद इसने चार आर्य सत्य के बारे में बताया था। कुल कितने आर्य सत्य? तो चार आर्य सत्य। वो पहला सत्य क्या है इसने बताया? पहला सत्य बताया था कि संसार में दुख है, या संसार दुख से भरा हुआ है, पहला बात यह था। इनका दूसरा स्टेटमेंट था दुख का कारण है, दूसरा ये भी बताया था संसार में दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा ये बता दिए थे कि अगर दुख का कारण है तो दुख का निदान भी है, तीसरा बात निदान भी बताते थे। लेकिन मेन इनको कुल भगवान बना दिया किससे? चौथा आर्य सत्य से, क्योंकि वही चौथा आर्य सत्य है जिनमें बुद्ध ने बताए कि दुख का निदान क्या है, तो वही दुख का निदान है अष्टांगिक मार्ग। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि बुद्ध ने कुल चार आर्य सत्य बताए, पहला संसार में दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख का निदान है, चौथा जो बताया वह दुख का निदान अष्टांगिक मार्ग को बताया। वह अष्टांगिक मार्ग में आप लोग को आठ तरह के आप लोग को बात बताया गया था, जिसमें सम्यक, हाँ, जिसमें सारे आप लोग को सम्यक वाला बात बताया गया था, जिसमें सम्यक दृष्टि था, सम्यक व्यायाम था, सम्यक वाक था, सम्यक दृष्टि था, सम्यक समाधि था। इस तरह से कुल आप लोग को आठ प्रकार के अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया गया था। तो खैर ध्यान दीजिए, तो यहां राइट आंसर आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? समुद्रगुप्त, या फिर बिंदुसार, या फिर चंद्रगुप्त, या फिर अशोक? चलिए कौन सा होगा? सी। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग को, जिस प्रकार से हम राइट आंसर आप लोग का तीन हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको बताया गया था कि इसके समय अपना जो भारत था,
जो अभी ये वाला आप भारत का छवि देख रहे हो, इसके अलावा एरिया, एराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरपस मदई, ये पूरा इलाका के ये अधिपति थे चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन लास्ट के काल में आपको बताए थे कि इनके अंतिम चरण में कंटिन्यू 12 सालों तक अकाल पड़ा। लाख उपाय किया, लेकिन उन्हें अकाल समझे, इसका निदान करने के लिए अब यह एक जैन ऋषि हैं। वो जैन ऋषि का नाम है भद्रवाहु। ये भद्रवाहु के संपर्क में आए हैं और यह भद्रवाहु ने इन्हें कर्नाटक के श्रवण बेलगोला के आप लोग को बता रखना है कि भद्रबाहु के संपर्क में आने के बाद इसी के सहायता से समझे इनके मार्गदर्शन में वह कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखन विधि से, वो विधि का नाम भी कभी कभी पूछता है किस विधि से ये अपने प्राण को त्यागे हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य संलेखन विधि से प्राण को त्यागा है। इसमें दो चार इंपोर्टेंट बात हो जाता है कि प्रत्येक शासक कौन था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया, तो आप लोग का चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। किसके प्रभाव में आकर, तो भद्रबाहु के प्रभाव में आकर इन्होंने किस विधि से अपना देह को त्याग, अपना प्राण को त्यागा, तो संलेखन विधि से। कहां त्यागा, तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। ईश्वरदास नगर भीमसेन सक्सेना, ईश्वरदास नगर भीमसेन सक्सेना .. के समय इतिहासकार थे। यहाँ इतिहासकार थे, देखिए ये आप लोग का राइट आंसर आप लोग को कौन सा हो जाएगा, जहांगीर होगा, औरंगजेब होगा, शाहजहां होगा, अकबर होगा। मतलब ईश्वरदास नगर और भीमसेन सक्सेना किसके समय के इतिहासकार थे, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से इसका जवाब लगा देंगे, क्योंकि हम लोग को आज 40 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, इसलिए चलो। तो इसमें से आप लोग का राइट आंसर जो होगा वो औरंगजेब आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन, क्या दंती दुर्ग या इंती दुर्ग, इसी को हम लोग दंती दुर्ग के रूप में जानेंगे, अभो पर या फिर गोविंद, इंद्र, कौन सा सही लग रहा है। राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था, चलिए तो ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रकूट वंश का जो स्थापना करने वाला था वह दंती दुर्ग, ऑप्शन नंबर एक आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पेंटिंग को उस शैली की पहचान करें जिसने पेंटिंग की मराठा शैली को प्रभावित किया है, कला शैली, वर्ली शैली, राजपूत शैली, शास्त्रीय शैली, कौन सा सही आंसर होगा। चलिए तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन तीन, राजपूत कला शैली। नेक्स्ट, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है, बलबन को, अलाउद्दीन खिलजी को, मोहम्मद बिन तुगलक को, इब्राहिम लोदी को। चलिए जल्दी से आप लोग आंसर लगा दीजिए। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या इब्राहिम लोदी। चलो तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, MBT को। नेक्स्ट देखिए, हल्दी घाटी यहां होना चाहिए। हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई, अकबर राणा संग्राम सिंह के बीच, अकबर और मेदिनी राय के बीच, और अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच, या अकबर और उदय सिंह के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया। चलिए सी, बहुत अच्छा, अकबर और महाराणा प्रताप सिंह के बीच। देखो अकबर का आप लोग का पूरे फेज आपका बढ़िया से पढ़ाया हुआ है जी, जब इसके हम साम्राज्यवादी विस्तार को हम लोग पढ़े थे तो याद होगा चित्तौड़गढ़ विजय, अकबर का चित्तौड़गढ़ विजय या फिर मेवाड़ विजय, तो उसमें आप लोग को बताया गया था कि अकबर और महाराणा प्रताप सिंह के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। अच्छा कोई हमको ये बता दीजिए अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ। चलिए तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग 1542 ईस्वी की बात करते हैं
तो 1542 ईस्वी में इसका जन्म हुआ है, राजा बिरसाल के घर ये जन्म लिए हैं। और 1556 ईस्वी की बात करता है, 14 वर्ष की अवस्था में, तो याद होगा पानीपत के दूसरा युद्ध जो अकबर और हेमू के बीच होता है, उसी में अकबर का जो संरक्षक था बैरम खां, जिनके सहयोग से अकबर ने हेमू को हराता है, और हराने के बाद यही 1556 ईस्वी में पंजाब के कलानौर में, आपको वहां पर हम बहुत बढ़िया गद्दी बताए थे कि ईट पर ईट का एकदम बजावते एक प्रकार का सिंहासन रूप में सरिया करके, और वजीर ने इसका जो संरक्षक था बैरम खां उसने कलानौर में ही इसका क्या क्या है तो राज्याभिषेक किया है। और अकबर का अगर बोलता है कि अकबर ने कितने साल तक, तो 49 वर्ष तक लगभग ये शासन किया है, और 1605 तक इसने शासन किया है। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात की अगर बात करें, खास करके दास प्रथा को खत्म इसी ने किया है। जैसे होता क्या था कि अगर युद्ध वगैरह में कोई अगर मतलब युद्ध हार गया है तो उसका सैनिक अगर बंदी बन गया है तो उसको दास बना लिया जाता था, अकबर ही है जिसने दास प्रथा को खत्म किया है, युद्ध बंदियों को मतलब कि खत्म किया है, और इसी ने जो जजिया कर था वह जजिया कर को भी समाप्त किया है। तो आप लोग को ध्यान रखना है इस सब बात को। अगला, कालाबाजारी और जमाखोरी को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आदेश नहीं दिया गया था? राजस्व जींस में लिया जाए, किसान अपनी कटी हुई फसल को खेत में ही बेचे, व्यापारी सभी वस्तुएं खुले में बेचे, खुदों और मखदूमों को अधिक विशेषाधिकार दिए जाए। यहां नहीं लगा हुआ है इसलिए ध्यान दीजिएगा कि काला बाजारी को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आदेश नहीं दिया गया था? चलिए बी, तो ध्यान रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण का बहुत अच्छा पद्धति चलाया उसने, कई एक बहुत सारे हद तक इनका मतलब ये ऐसे भी अलाउद्दीन खिलजी जो है वो बाजार नियंत्रण के लिए ही जाने जाते हैं। और उसमें आपको बताया गया था कि यहां तक हो गया कि खूत और मखदूम में जो जो भी इसका श्रमिक था या फिर उसको लेने वाला जो भी टैक्स वसूलने वाले होते थे उसको भी दायरा को सीमित कर दिया गया था, उसका पावर को जहां तक छीन लिया गया था। तो जब उसके पावर को छीन लिया गया है तो उसे विशेषाधिकार दिया गया है, ऐसा नहीं है, इसलिए विशेषाधिकार देने के बाद ये कभी नहीं था, हम लोग को नहीं ही पकड़ना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा आदेश नहीं दिया गया था? कहना खूतों और मुकदमों को जो भी अधिकार था वो अधिकार को भी छीन लिया था, विशेषाधिकार नहीं मिला था, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला, 1767 से 69 ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ? क्या पांडिचेरी का संधि, मद्रास का संधि, मैसूर का संधि, एक्स ला सैपल की संधि? देखिए आंग्ल मैसूर युद्ध से इसी में आप लोग को 2 प्रश्न आ गया है, तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए। चलिए बी, अंशु कुमारी बी आ रहा है, मद्रास की संधि। देखिए हम आपको फिर से एक बार रिकैप करते हैं कि कुल कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए? 4। अगर पहला आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करता है तो यह आप लोग का 1767 से 69 तक चला है, जैसा कि आप लोग को पिछला क्वेश्चन में भी आया था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का बात करेगा तो यह 1780 से 84 तक चला है। जब तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा करता है तो 1790 से 92 तक चला है। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध का बात करता है तो 1799 में चला है। हाँ, इसी में हम हर बार आपको सुना रहे हैं कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो है उसके समय जो गवर्नर की बात करते हैं, भारत के गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो इस समय बेरे लस्ट है, इस समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल बेरे लस्ट है, जबकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो गवर्नर जनरल है वह बारेन हेस्टिंग्स है। अगर हम तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल का नाम पूछेंगे तो इसमें लॉर्ड कार्नवालिस है, इसमें कार्नवालिस है। और चौथा के समय वेलेजली है। अब संधि पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, कोई भी युद्ध होगा
तो लास्ट में संधि पर ही समाप्त होगा। तो जब पहला आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करता है तो 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि के द्वारा इसको समाप्त किया गया। मद्रास की संधि के द्वारा यहां पर यह युद्ध समाप्त हुआ। हालांकि जब हम पहला बात बोलते हैं कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, तो इस समय मैसूर के तरफ से जो नेतृत्व करता है वह हैदर अली है। यहां का जो शासक है वह हैदर अली है। पहला बार है हैदर अली जिसने अपना भारतीय होने के अनुसार से इसने यहां तक कि अंग्रेज को हराया है। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में समझो कि अंग्रेज हारा है, इसमें अंग्रेज जीता नहीं है। वो तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें 80 से 84 ईस्वी तक चला, और इसी में हैदर अली को 1782 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है। हालांकि 1782 ईस्वी के बाद इसी का जो है टीपू सुल्तान पुत्र, इसने इस युद्ध को आगे जारी रखा। और फिर 1784 ईस्वी में फिर आप लोग को आता है मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ। पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वह आप लोग का मद्रास के संधि से समाप्त हुआ। जब हम तीसरा के बात करते हैं तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो 90 से 92 तक चला, उस समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस है और मैसूर के तरफ से टीपू सुल्तान नेतृत्व कर रहा है। इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ और श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत इसको समाप्त किया गया। और यही श्रीरंगपट्टनम के संधि से ही टीपू सुल्तान का स्थिति जो है एकदम से दयनीय हो गया। और अंततः जब बेलेजली आया तो बेलेजली ने सहायक प्रस्ताव लाया था, सहायक संधि लाया था। और आपको बताया गया था कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला अगर पहला कोई भारतीय था तो वह हैदराबाद का निजाम था। और इसके बाद आप लोग को हम बताए थे सहायक संधि फिर होता है, सहायक संधि से चौथा आंग्ल जो मैसूर युद्ध था इसको भी समाप्त कर लिया जाता। तो एकदम संधि क्लियर रखिएगा कि जब पहला आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो मद्रास के संधि से समाप्त होगा, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे मंगलौर के संधि से समाप्त होगा, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे श्रीरंगपट्टनम के संधि से समाप्त होगा, और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे सहायक संधि से समाप्त हो जाएगा। तो संधि भी आप लोग का ठीक ठाक चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान करिए। गुजरात में पाटन, हम्पी, यहां हम्मी ने हम्पी है, हम्पी, चंडीगढ़, और एक आप लोग का पश्चिम बंगाल है। इसमें से ए में है राजधानी परिसर, छो नृत्य, रानी की वाव और स्मारकों की समूह। आप लोग को बताना है इसमें से मिलान सही कौन सा है। चलिए सारे प्रश्न आप लोग को समझिए, जोड़ जाड़ किसमें दिया गया है, इसमें मॉडर्न, मिडाइवल, एंशियंट, तीनों हिस्ट्री से क्वेश्चन आप लोग का है। क्या लग रहा है जी? अच्छा एक, चलिए आप लोग के क्या लगता है आंसर लगा दीजिएगा। चलो कोई नहीं, देखो इसमें जो गुजरात में पाटन है इसमें रानी का क्या है, बाव, रानी का बाव। गुजरात में पाटन जो है वो रानी के बाव के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए क का तो सी होगा। अब क मतलब एक, तो एक का सी होगा, एक का डी ये नहीं होगा, एक का सी ई हो सकता है, एक का भी नहीं होगा, एक का एक नहीं होगा, एक को भेटाइए रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा इसमें। लेकिन मिला लीजिए 2 का, तो 2 आप लोग का क्या लिखा, हम्पी। तो ये जो हम्पी है वह स्मारकों के समूह के लिए फेमस है, जबकि आप लोग का हम जब चंडीगढ़ यहां पर आप लोग का क्या दिया हुआ है, 2 का डी होगा, तो ये हम्पी स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम बात करते हैं चंडीगढ़ का, तो चंडीगढ़ राजधानी का परिसर है, पश्चिम बंगाल में छऊ नृत्य है, इसलिए इस प्रकार से आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 सही था। देखिये 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग का फिर से आ गया जी। समाचार पत्र खाली स्थान ने राष्ट्रव्यापी स्थितियों, मूल भाषाओं में पुस्तकों और अन्य देशों को राजनीति के बारे में लेख प्रकाशित करना शुरू किया, कौन सा वह समाचार पत्र था? क्या मराठा था, केसरी था, दीनबंधु था, इंद्रप्रकाश था? चलिए बता दीजिए कौन सा आंसर सही है। डी, आप लोग का क्या लगता है? चलिए
याद होगा बीजी तिलक के द्वारा लिखा गया एक समाचार पत्रिका था केसरी, और ऑप्शन नंबर आप लोग का 2 सही हो जाएगा। यही केसरी है जिसने राष्ट्रव्यापी स्थिति मूल भाषाओं पुस्तक और अन्य देशों को राजनीति के बारे में लेखन शुरू किया है। चलिए तो अगला सवाल है, 1905 ईस्वी में बंगाल प्रांत को 2 भागों में बांटा, मतलब सीधा सीधा समझिए बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन जो है वो किसके समय में, क्या लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन? ये तो आप लोग का चलता फिरता क्वेश्चन है जी। अरे बी लॉर्ड रिपन। चलिए तो आप लोग का राइट आंसर होगा बंगाल विभाजन जो हुआ है वह लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 आप लोग का सही आंसर है। नेक्स्ट, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने लिखा, मतलब तो के आगे भी बहुत सारा होगा, अब पूरा कविता तो नहीं लिखेगा, तो आप रखना कि वैष्णव जन तो डॉट 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 किसने लिखा, क्या नरसिंह मेहता लिखा, प्रेमानंद, सुनीलाल या धार्मिकला? बता दीजिए कौन सा होगा। चलिए बी आ रहा है, किन्हीं का सी आ रहा है, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो नरसिंह मेहता हो जाएगा। नरसिंह मेहता ने यह गीत को लिखे जो वह गीत गांधी जी के लिए प्रिय था। नेक्स्ट, 1972 में शिमला समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? चलिए, क्या अयूब खां, भद्दिया खां, जेड ए भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, क्या लग रहा है? अंशु कुमारी सी, बहुत अच्छा, जेड ए भुट्टो तो राइट आंसर है। देखिए आप लोग का जब हम शिमला समझौता की बात करते हैं तो याद होगा 1971 का लड़ाई, और उसमें आप लोग को बताया था कि पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता चल रहा है जिस समझौता का नाम क्या था, शिमला समझौता। इस समय भारत के तरफ से अगर बोलेगा प्रधानमंत्री तो इस समय इंदिरा गांधी है, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम लिया है तो उस समय जुल्फिकार अली भुट्टो है, तो वही जुल्फिकार अली भुट्टो को शॉर्टकट नाम है जुल्फिकार के लिए जे, अली के लिए ए, जे ए भुट्टो। ऑप्शन नंबर 3 आप लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब आप लोग को फिर से वही बात आ गया, एकदम गवर्नर जनरल एकदम ठीक रखना, कौन सा संधि ला रहा है, क्या क्या काम कर रहा है, आप लोग का जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा गया उसको एकदम बार बार रिविजन करते रहिए। तो लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड विलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, अब इसमें आपको काम को देखना है और मिलान करना है कि कौन सा सही है। ये आपका सहायक संधि है, 2 में है विश्वविद्यालय अधिनियम आया, राज्य विलय नीति, बंगाल में द्वैध शासन। चलिए कौन सा होगा जी, ए बी सी डी, क्या लगा रहे हो आप लोग? अच्छा तो सही बात है। देखिए हम लोग इसको पहले मिलान करके देखते हैं। याद होगा लॉर्ड क्लाइव जो संबंध रखता था पलासी के युद्ध से, और यही पलासी का युद्ध है जिसमें अंग्रेज जो है भारत में अपनी स्थिति को एकदम मजबूत कर लिया है, और लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में ही प्लासी के युद्ध को किस प्रकार से सिराजुद्दौला को हराया जाता है, उसको मारा जाता है, और उसके बाद वो बंगाल पर पूर्णतः अधिकार करता है, और इसके बाद यही लॉर्ड क्लाइव है जिसने बंगाल में द्वैध शासन लाया है, जिसने आप लोग बताया था दोहरी शासन, जिसमें फौजदारी मामला अलग होगा, दीवानी मामला अलग होगा, तो ये लॉर्ड क्लाइव के टाइम का है। इसलिए ए का मिलान 4 से होगा, ए का मिलान 4 से होगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड वेलेजली आपको बार बार बोल रहे हैं कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध से ही हमको अभी पहले के समय में पता चला कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो चूंकि वेलेजली के समय में हुआ है, और वह जो युद्ध है किस संधि से समाप्त हुआ है, सहायक संधि से समाप्त हुआ है, इसलिए कहीं ना कहीं लॉर्ड वेलेजली का जो संबंध है वो सहायक संधि से है, तो बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 ही सही है। अब आगे तो पता चल रहा है लॉर्ड कर्जन,
तो लॉर्ड कर्जन जो है वो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम और लॉर्ड डलहौजी जिसने राज्य हड़प नीति लाया था इसी को राज्य विलय नीति कहते हैं, इसलिए सी का मिलान 300 होगा। तो आप लोग याद रखिए, ए का मिलान 4 से, 2 का मिलान 1 से, 3 का मिलान 3 से, 4 का मिलान 2 से, ऑप्शन नंबर 2 आप लोग का सही आंसर है। ये सब देखो एकदम ब्रेकर वाला क्वेश्चन है, इसको पूरा का पूरा जब तक नॉलेज नहीं रखेगा तब केवल टिक नहीं कर सकता है। अब आगे ध्यान दो, लियोनार्डो द विंसी किस युग का प्रतिनिधित्व करता है? सुधार, पुनर्जागरण, साम्यवाद, औद्योगिक क्रांति। लियोनार्डो द विंसी किस युग का प्रतिनिधित्व करता है? इसलिए तो राइट आंसर आप लोग का हो जाए पुनर्जागरण, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कलाकारों और उनके कला रूपों का मेल मिलाइए। पन्नालाल घोष, पंडित भीमसेन जोशी, अंजलि इला मेनन, मदुराई मणि अय्यर, चित्रकला, कर्नाटक संगीत, बांसुरी, हिंदुस्तानी संगीत कंठ। जल्दी सुना दीजिए कौन सा सही आंसर है। चलिए डी, बहुत तरह का डी आ रहा है जवाब, बी भी आया, लेकिन राइट आंसर आप लोग का क्या होगा? सी। याद होगा हरि प्रसाद चौरसिया, एम नीलासी, पन्ना लाल घोष, इस सब का संबंध बांसुरी से है। तो जैसे हमको दिखाई दिया पन्ना लाल घोष, यानी चले जाएंगे बांसुरी, एक का तीन मिलान करके देख लीजिए, एक का तीन एक एक ऑप्शन में है, इसलिए आपको बताना होगा कि पंडित भीमसेन जोशी जो देख रहे हो ये आप लोग का हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है, और जो अंजलि इला मेनन देख रहे हो ये चित्रकला से संबंधित है, जबकि मदुराई मणि अय्यर देख रहे हो ये आप लोग का कर्नाटक संगीत से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। जल्दी से जल्दी इसको क्वेश्चन का जवाब लगाओ। देवी माता की पूजा, चलिए किन से? हाँ, तो आप लोग को पता होगा मातृ देवी का अवशेष जो आप लोग को मिला था वह सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, इसलिए यहां देवी माता की पूजा की अगर बात करेगा तो संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता से, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। बौद्ध धर्म में समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, ये वर्ग कौन थे? वणिक एवं पुरोहित, साहूकार एवं दास, योद्धा एवं व्यापारी, स्त्री एवं शूद्र। बौद्ध धर्म में समाज के दो वर्ग को अपने साथ जोड़ करके महत्वपूर्ण प्रभाव को छोड़ा, तो ये वर्ग कौन थे? स्त्री और शूद्र थे, या वणिक एवं पुरोहित थे, साहूकार दास थे, योद्धा और व्यापारी थे? बी, साहूकार और दास। चलिए आपको क्या लग रहा है? हाँ, तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा स्त्री एवं शूद्र। बौद्ध धर्म से पहले जो भी धर्म चले आ रहे थे उसमें ब्राह्मणवाद के अनुसार से इनको कुछ विशेष पावर नहीं था कहीं जाने का, लेकिन बौद्ध धर्म में चूंकि आपको यह भी समझाया था कि बौद्ध धर्म में किस प्रकार से संघ में, जो कि बौद्ध धर्म में आप लोग को त्रिरत्न के जब चर्चा किए थे, त्रिरत्न, तो त्रिरत्न में आप लोग को बताए थे कि बुद्ध होगा, धम्म होगा, संघ होगा, और संघ में प्रवेश करने के लिए पहले शुरुआत में चूंकि संघ में प्रवेश करने के लिए महिला को अलाउ नहीं था, लेकिन बाद में महिला को भी संघ में शामिल होने के लिए यहां पर अलाउ कर दिया गया था। और एक बात और आपको बताइए, संघ में प्रवेश करने को क्या कहा जाता है? संघ में प्रवेश करने को क्या कहा जाता है? चलिए अगर कोई क्लास किए हैं तो जल्द से बता दीजिए, संघ में प्रवेश करने की घटना को क्या कहा जाता है आपको? तो ध्यान रखिएगा, संघ में प्रवेश करने को हम लोग उपसंपदा कहते हैं, उपसंपदा। चलिए, लेकिन आपको इसमें एक प्रोहिबिशन भी था कि जो व्यक्ति लाचार है, रोगी है, कर्जदार है, हत्यारा है, उसको संघ में प्रवेश वर्जित था। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। शिलालेखों में किस राजा को देवा नाम प्रिय या प्रिय दशी देवताओं का प्रिय कहा गया है? अशोक को, हर्ष को, बिंदुसार को, चंद्रगुप्त मौर्य को? चंद्रगुप्त मौर्य को। किनको? अशोक को। वाह, बहुत अच्छा। तो ध्यान रखिएगा कि शिलालेख में आप लोग को हम बताए थे
कि चंद्रगुप्त किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आते हैं और बिंदुसार के बाद अगला जो मौर्य वंश का शासक बनता है वो एकदम से उत्तराधिकार के बहुत संघर्ष होता है, तब जाकर के फिर अशोक राजा बनते हैं। और ये पहला ऐसा राजा है जिसने प्रजा को संबोधित करने के लिए साइन बोर्ड यानी शिलालेख का अभिलेख का सहारा लिया है। और इनके अभिलेख में बृहत शिलालेख भी है, लघु शिलालेख भी है, यहां तक के स्तंभ लेख भी है, स्तंभ लेख के साथ साथ गुफा लेख या गुहा लेख भी है। ये जी इसी में आप लोग को बात आता है, जो कि बृहत शिलालेख में आप लोग को बहुत सारा शिलालेख है जिसमें कभी कभी पूछ देता कंस पहला तीसरा तेरहवा, ये सब आप लोग को इंपोर्टेंट है जो याद रखिएगा। जैसे पहला शिलालेख, पहला जो बृहत शिलालेख है इसमें पशु बलि पर रोक लगाया गया है। तेरहवा तो और ज्यादा इंपोर्टेंट है, कई एक बार परीक्षा में पूछा गया है। तेरहवा अभिलेख में अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन है, लेकिन दो जगह का छोड़ करके, क्योंकि उड़ीसा में दो आप लोग का जगह था धौली और जोगढ़, वह धौली और जोगढ़ में हर जगह तेरहवा अभिलेख में तुमको मिलेगा कि कलिंग युद्ध का वर्णन, लेकिन धौली और जोगढ़ के अभिलेख में जो तेरहवा नंबर है उसमें अशोक ने सारे प्रजा को अपने संतान कहकर संबोधित किया था। कारण क्या है, धौली और जोगढ़ कहां पड़ता है, कलिंग में मतलब उड़ीसा में, वहां पर कलिंग युद्ध का वर्णन कर नहीं सकता है, राजा पर मतलब प्रजा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसलिए वहां पर तेरहवा अभिलेख को हटा करके और उसको जोड़ दिया कि सारे प्रजा हमारा क्या है, संतान है। तो ये सब बात आप लोग याद रखिएगा। अच्छा एक बात और पूछ लेते हैं, कुल स्तंभ लेख की संख्या कितनी है, अशोक के कुल कितने स्तंभ लेख है, अगर कोई जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिए। कुल कितने स्तंभ लेख है अशोक के, कुल कितने स्तंभ लेख है। चलो काउंटिंग नहीं किए, एकाएक आदमी पर, चलो कोई नहीं मिलेगा तब काउंटिंग कर लीजिएगा। अरे आप लोग इस सब बात क्लास में किया हुआ है कि कुल स्तंभ लेख की संख्या 7 है, जो कुल कितने स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो 6 स्थान से। जब पूछेगा अशोक के कुल कितने स्तंभ लेख है, कितना 4 बोल रहा है, नालायक नहीं, कुल 7 स्तंभ लेख है जो 6 स्थानों से प्राप्त हुआ है। और 6 स्थान में आप लोग के लिए एक सुख समाचार यह है कि उसमें से सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है वो किसका है, बिहार का है। वो 6 जगह में आप लोग बताए थे, एक क्या था, मेरठ था, मेरठ के बाद एक कौन था, तो एक आप लोग का प्रयागराज स्तंभ लेख था, प्रयागराज का स्तंभ लेख था, एक आप लोग का टोपरा का था, कभी कभी आएगा मेरठ का स्तंभ लेख। मेरठ कहां पड़ता है जी, यूपी में, टोपरा कहां पड़ता है, हरियाणा में, जब प्रयागराज का बात करेंगे तो ये भी कहां, यूपी में, ये 3 गो पड़ता है, और 3 गो में एक एक आप लोग का टोपरा हरियाणा में, बाकी 2 यूपी में, बाकी जो 3 गो बच गया उसमें एक स्तंभ लेख के लिए आपको बताए थे लौरिया नंदनगढ़, एक लौरिया अरेराज, एक रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और एक रामपुरवा, ये तीनों के तीनों अपना कहां है, बिहार में है, इसलिए आप लोग को याद रखना बिहार स्पेसिफिक के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप लोग को चलो अगला क्वेश्चन पर ध्यान दो, लिंग राज मंदिर कहां अवस्थित है, मदुरै, तिरुचेंदूर, भुवनेश्वर, उज्जैन। लिंग राज मंदिर बोली आप लोग का लग रहा है, अच्छा तो ध्यान दीजिए, लिंगराज मंदिर जो है उड़ीसा भुवनेश्वर में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, सन 1329 में, 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित किया था, अलाउद्दीन खिलजी था, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक, जल्दी से जल्द बता दीजिए। 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा चलाया था, अंशु कुमारी बी, गयासुद्दीन तुगलक। चलिए और कोई जवाब है तो दे दीजिए, आप लोग को क्या लग रहा है जी, हाँ तो नलायक ऑप्शन नंबर 3 था, मोहम्मद बिन तुगलक। किस प्रकार इसमें इतना ज्यादा हम बात बताए थे, अच्छा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक दो बात और आप लोग को कर दें, क्योंकि ये ज्यादा इसके पहले भी लगता है सवाल आ गया मोहम्मद बिन तुगलक से, नहीं तो खैर कोई नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक इसी का बचपन का नाम क्या था, जौना खां,
इसी का नाम क्या है जी, जौना खान है। और यही जौना खान है जो शासक बनने के बाद ये अपना प्रयोग के लिए जाना जाता है। प्रयोग समझते हो ना, बहुत सारा बेचारा एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि विद्वान शासक है, एक्सपेरिमेंट करने में कोई कमी नहीं किया, लेकिन सफलता नहीं लगा। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करे उसमें कुछ ना कुछ लेकिन लगता था। अब लेकिन क्या है, तुम खुद देख करके करेगा। जब ये शासक बनता है तो ये पहला बार है जो अपना राजधानी बदल दिया है, क्योंकि अपना राजधानी उठा करके आगरा से कहां, चलिए दिल्ली और आगरा इवला बेल्ट को छोड़ रखा, छोड़ करके आज नीचे की ओर चला गया, जिसको हम लोग दौलताबाद कह रहे हैं। दौलताबाद ही अपना राजधानी बनाया था, दौलताबाद, यही नाम भी बदला है। क्योंकि पुराने समय में दौलताबाद ने पहला समय में देवगिरी चला आ रहा था, वह देवगिरी का नाम बदल करके दौलताबाद करता है। ये अपना राजधानी दौलताबाद ले गया कि दक्षिण भारत पर हमारा पकड़ मजबूत रहेगा। लेकिन जब पता चला कि जब नीचे दौलताबाद लेके गया तो ऊपर वाला सब अपने में स्वतंत्र होने लग गया। तब फिर से ही 35 में, 1335 के आसपास फिर से ही दौलताबाद से अपना राजधानी को क्या कर लिया, पुनः ट्रांसफर कर लिया। तो वो तो फेलियर हो गया। दूसरा प्रयोग यही है मुद्रा का। इसके समय में चला आ रहा था पहले से चांदी के टंका, चांदी के कौची चलता था, टंका चलता था। चांदी तांबा से चूंकि ज्यादा महंगा था, इसको लगा कि हम काने चलाना है ना, हम चांदी वाला के स्थान पर हम तांबा के सिक्का चलाते हैं, इससे हमको थोड़ा सा बचत भी होगा, सब कुछ ठीक ठाक होगा। चला तो दिया, लेकिन अब तांबा वाला जो मुद्रा सिक्का चलाया तो घरा घर ही तांबा के मुद्रा छपने लग गया, घरा घर ही सब चलाने लग गया। मतलब क्या हुआ, जाली प्रकाशन ज्यादा होने लगा, इस जाली सिक्का को रोक ही नहीं पाया, इसलिए वह भी फेलियर लगा। पहचान नहीं हो पाता था कि कौन शासक के द्वारा चलाया हुआ है या कौन जाली है, तो वो वाला भी इसका फेलियर हो गया। तो इसी के लिए एक आप लोग इसी में एक इतिहासकार है जिसका नाम है बदायनी। बदायनी कहता है कि जब ये मरा है तो कहता है कि आज राजा को एक प्रजा से, अब प्रजा के एक राजा से मुक्ति मिल गया है। क्योंकि ये नहीं कहना है कि खाली ये परेशान था मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक कोई प्रयोग करे प्रजा होकर काट निकाल ले, तो इसलिए ये परेशान है प्रजा से, प्रजा परेशान है इससे, यही चलते है। इस पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, इसको याद रखेगा, किसका कथन है, राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गया, तो बदायनी का कथन है। किसके लिए कह रहा, तो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कह रहा। तो ये सब बात आप लोग को फिट रखिएगा। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था, बीरबल, टोडरमल, जयसिंह, बिहारीमल। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन प्रसिद्ध था, फिर अकबर, देखिए अकबर वाला भी बात बार बार आ रहा है। देखो मध्य काल में दो चार बात पर तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो लोग को यही काम तो करना है, जब लगे कि अकबर टॉपिक आ गया तो जब जाइए, तो ई नहीं कि अगर एक उत्तर से आप लोग का सही हो जाएगा। अकबर का पूरा निचोड़ पढ़ लीजिए, चार ऑप्शन बुझा रहा है, चार ऑप्शन को एकदम बढ़िया से देख लीजिए, तो फिर आप लोग का ऐसा ऐसा अगर 10 सेट लगा लिया तो समझो पूरा रिविजन हो गया। तो लोग 100 सेट मारे से बढ़िया है कि दो सेट मारता लेकिन पूरा रिविजन कवर हो रहा है, तो बढ़िया है। चलिए, तो बी टोडरमल एकदम बिल्कुल राइट जवाब है। आप लोग बताए थे कि अकबर का कौची था, नवरत्न था, और वह नवरत्न में भू राजस्व विभाग का जो अधिकारी था वो कौन था, टोडरमल था। नवरत्न में आप लोग को बहुत सारा बात बताए थे, उसमें फैजी था, अबुल फजल था, उसी में अब्दुल रहीम खाने खाना था। अच्छा, इतना बात अगर बोल दिए हैं तो एक क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए, आयने अकबरी के लेखक कौन है, आयने अकबरी का किसने लिखा, इसका प्रकाशन कौन किया। आयने अकबरी जिसको अकबरनामा भी कहते हैं, तो अकबरनामा को किसने लिखा, चलिए तो लोग क्या लग रहा है जी। अच्छा, तो आयने अकबरी का जब बात आता है तबुल फजल हो जाएगा। और एक बात और है, याद होगा बाबरनामा को फारसी में अनुवाद यही अकबर ने किसके द्वारा करवाया है, तो अब्दुल रहीम खाने खाना। ये दो बात इंपॉर्टेंट है। आयने अकबरी के लेखक पता है सबको, अब क्लियर हो गया कि वह अबुल फजल है। अब इसी से आप लोगों को खोद के क्वेश्चन निकाल रहा है क्या कि बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किसने किया, किसने किया, तो राइट आंसर इसी का नवरत्न में से एक नवरत्न था, कौन, अब्दुल रहीम खाने खाना, जिसने बाबरनामा को किसमें, तो फारसी में अनुवाद किया है। तो खैर, अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहां है, बीजापुर में, गोलकुंडा में, हम्पी में, जयपुर में। विजयनगर का साम्राज्य के खंडहर कहां है। चलो कोई बात नहीं, अब ज्यादा प्रश्न आप लोग को नहीं रहा, जल्द से जल्द इसको करने को शुक्रिया।
तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा हम्पी में। नेक्स्ट, सर आयरकूट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वांडीवास युद्ध, अडियार युद्ध, अंबोर युद्ध, अरकोट की घेराबंदी। चलिए बी, तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा वांडीवास युद्ध, जिसमें आप लोग को हम बताया था 1721 में 60 ईस्वी में, और यही वांडीवास युद्ध के तहत जो फ्रांसीसी है वह फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच युद्ध हुआ है, और वह युद्ध में फिर यह वांडीवास युद्ध के बाद से फ्रांसीसी का समझो पतन हो गया और वो इंडिया छोड़कर के चले गए। अब यहां से सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज का शासन काल चलेगा। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग के, मुस्लिम लीग ने कब मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग किया? 1920, 1930, 1940, 1942। मुस्लिम लीग मुसलमान के लिए कब अलग देश का मांग किया? तो राइट आंसर आप लोग का 1940, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? दादा भाई नरोजी, ए ओ होम, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी। क्या लगता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ, इसका पहला महासचिव कौन बने? तो राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब है, ए ओ होम। अगला, करो या मरो, डू और डाई का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है जी, जल्द से जल्द इसका जवाब दो। करो या मरो का नारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, महात्मा गांधी ने दिया। नेक्स्ट, पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? महात्मा गांधी, भगवान बुद्ध, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो सही जवाब क्या होगा? पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन। चलिए, तो पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नेता की हत्या नहीं की गई? महात्मा गांधी का, इसको तो सब जानता होगा। अच्छा, लियाकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड ली माउंटबेटन, बताओ ने लगे है महात्मा गांधी नलायक, एरा तो सबसे पहले ठीक कर दिया है। सी, बहुत अच्छा, मोहम्मद अली जिन्ना बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ क्या था? कालों की विरोधी नीति, यहूदी विरोधी नीति, प्रोटेस्टेट विरोधी नीति, जर्मन विरोधी नीति। चलिए, तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा यहूदी विरोधी नीति। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या था? नगरीकृत सभ्यता था, कृषिक सभ्यता था, मध्य पाषाण सभ्यता था, पूरा पाषाण सभ्यता था। क्या लगा रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या था? तो आपको बताए थे यह पहला नगरीकृत सभ्यता था, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही जवाब है। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन के किस घटना के साथ है? बुल माने साढ़, तो आप बता दीजिए बौद्ध धर्म में बुल का संबंध किस घटना से है? जन्म से, महाभिनिष्क्रमण से, प्रबोध से, महापरिनिर्वाण से। क्या लगा रहे हैं आप लोग के, क्या लग रहा है? अच्छा, क्या लग रहा है जी आप लोग का, जल्दी से जवाब दो। सी, प्रबोध। अरे प्रबोध के मतलब होता है, प्रबोध के मतलब देखिए आप लोग को प्रबोध के मतलब किसी को बुद्धि देना, माने शिक्षा को बांटना, ज्ञान वाला बात, उपदेश वाला बात आपसे बोल रहा है। तो देखिए इसमें से ना तो एक होगा, ना तो दो होगा, ना तो तीन होगा, ना तो चार होगा, इनमें से कोई नहीं आंसर सही है। देखिए अगर हम बात करते हैं जन्म का, जन्म से पहले बुध का गर्भाधारण, गर्भाधारण था, गर्भाधारण का प्रतीक क्या था? हाथी। गर्भाधारण का जो प्रतीक था वो हाथी था। जन्म तो कमल पर बैठ के हुआ था, यानी जन्म का जो प्रतीक था वो क्या था? कमल था। जन्म से जब बड़ा हुए यौवन, अपने जब युवा स्थान पहुंचे तो वह यौवन, युवा अवस्था में यौवन वाला बात जब आएगा तो उसका प्रतीक क्या था? साढ़ था। बात समझ आ रहा है कि नहीं? और अगर आप लोग को ज्ञान की प्राप्ति वाला बात बोलेगा तो ज्ञान के प्राप्त हुआ था, चूंकि कौन पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे, इसलिए ज्ञान के प्राप्ति का जो उनका सिंबल था, प्रतीक था, वो क्या था? पीपल था। बात समझ आ रहा? और अगर आप लोग का उपदेश वाला बात पूछेगा, उपदेश, तो उपदेश के लिए उनका प्रतीक चिन्ह था पद्म चिन्ह या पद चिन्ह, पद चिन्ह था। और अगर मृत्यु वाला बात बोल देगा कि उनके मृत्यु, इसका प्रतीक क्या था? तो अस्तूप था। इसका प्रतीक क्या था? अस्तूप था।
तो इतना बात आप लोग याद रखना है। तमीन आपको कहना है कि यौवन से संबंधित सार से था, यौवन है ही नहीं, इसलिए आपका अच्छा ये बता दीजिए गृह त्याग, गृह त्याग इसका प्रतीक क्या था, जल्दी बोल दो। चलो तो गृह त्याग किस पर बैठ के, घोड़ा पर बैठ के किए थे, इसलिए गृह त्याग का प्रतीक जो था वो घोड़ा था। चलो कोई बात नहीं, हम लोग सोचते हैं कि उसमें नहीं। फ्रांस में तृतीय साम्राज्य का अंत किस वर्ष हुआ, फ्रांस में तृतीय साम्राज्य का अंत किस वर्ष हुआ, 1815, 1848, 1870, 1876, ये सब वर्ल्ड हिस्ट्री का आप लोग का पार्ट है। नेपोलियन बोनापार्ट जब फ्रांसीसी क्रांति आप लोग ध्यान दीजिएगा तो उसमें ढंग से आप लोग का बात बताया हुआ है वर्ल्ड हिस्ट्री में। चलिए तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, तीन बार आप लोग को ध्यान रखना है रे, जब नेपोलियन संहिता की बात आता है तो 1904 ईस्वी से बताए थे, लेकिन 1904 ईस्वी में फिर आप लोग सॉरी 1800 आप लोग को देखो एक बात ध्यान में रखना है, 1848 ईस्वी और 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक, यहां तक चूंकि मेटर्निक युग स्टार्ट हो गया था, नेपोलियन बोनापार्ट को खत्म करने के बाद मेटर्निक फिर से राजतंत्र स्थापित कर दिया था, लेकिन वह भी 1848 तक एक्सेस चला था। फिर 1848 ईस्वी में भी क्रांति होता है, उस क्रांति के बाद से फिर से लोकतंत्र आता है, फिर से 1877 ईस्वी में लास्ट बार क्रांति आता है और यह तीसरा साम्राज्य के लिए क्रांति रहा था। इसलिए यहां वही तो क्वेश्चन था कि फ्रांस में तृतीय साम्राज्य का अंत किस वर्ष हुआ, तो 1870 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा बार पूछता तो 1848 सही होता। एलोरा में कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किनके द्वारा करवाया गया था, कदम, राष्ट्रकूट, चोल, चेर। कैलाश नाथ मंदिर का संबंध किनसे है, चलिए तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा क्या, राष्ट्रकूट। चलो कोई बात नहीं, आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल हो सकता है आप लोग का हम सब्जेक्ट वाइज ही आप लोग का पूरा लेकर के आ रहे हैं, कारण कि वो टोटल रिवीजन हो जाए, तो कल आप लोग का जो क्वेश्चन होगा वो ज्योग्राफी से होगा और 40 प्रश्न आप लोग को होंगे, इसलिए आप लोग को थोड़ा देख करके आइएगा, ठीक है, रह दीजिए आज का क्लास यहीं तक।